डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा नूतन वर्षाभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे स्वयंसेवक शामिल हुए जिनकी संघ आयु 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में सभी जगह हिंदुओं के व्याप्त रहने के सपने को साकार करने के लिए आज हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा नूतन वर्षा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे स्वयंसेवक शामिल हुए जिनकी संघ आयु 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। संघ अब ऐसे स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज के युवाओं को मार्गदर्शित करना चाहता है और इसी के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के अध्यक्ष ईश्वर दास हिंदुजा मौजूद रहे। ये कार्यक्रम डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, जिसकी स्थापना 1966 में इंदौर में हुई थी, उसके द्वारा आयोजित है। इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनकी संघ आयु 40 वर्ष से ऊपर हो गई है तथा जिनकी आयु 55 वर्ष से ऊपर है, ऐसे लोगों का एकत्रीकरण रखा है, जिससे कि वो सब जो डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य था, सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा में क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में जो व्याप्त होना है हिंदू समाज को, हिंदू संगठन को, इन सब क्षेत्रों में जो व्याप्त होना है उसके लिए इन सब का सहयोग प्राप्त हो, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और पुराने कार्यकर्ता एक साथ मिलकर बड़ा आनंद का अनुभव ले रहे हैं। इसमें कुछ 1942 के स्वयंसेवक भी आए हुए हैं, कुछ 1939 में जो स्वयंसेवक बने, इतने पुराने स्वयंसेवक जिनकी उम्र 99 वर्ष है, एक ऐसे भी स्वयंसेवक यहाँ पर उपस्थित है। 1942 साल स्वयंसेवक हूँ, 80 साल की आयु हो गई है मेरी संघ आयु। मैं महानगर संघ चालक रहा हूँ और ग्वालियर में कॉलेज शाखा का मुख्य शिक्षक रहा हूँ और उज्जैन का स्वयंसेवक हूँ। उज्जैन माधव नगर शाखा का मुख्य शिक्षक था और 1942 में संघ में आया और 1942 के आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से जेल गया और उसके बाद संघ का कारण 3 बार जेल गया। गांधी मर्डर, इमरजेंसी में बंद रहा। कार्यक्रम को लेकर संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों में खासा उत्साह नजर आया, जिसके चलते बड़ी संख्या में वरिष्ठ स्वयंसेवक भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।